Dear friends, we are not SEBI Ratio Analyst. This video is only for educational purpose. We are not liable for your loss or any profits. Please connect your SEBI Registered Analyst for your investments. This video is only for educational purpose. Thank you so much. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए और मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे बात शुरू करते हैं, आज फिर से एक बार वही टॉपिक, मार्केट आज कल और आज। ये मेरा फेवरेट टैगलाइन बन चुका है। अब इसमें इस तरीके से कि लास्ट वीक आपको बताया था भाई PSU बैंक चलेंगे और उसके, अगर आप वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट के दिन का वीडियो भी चेक करेंगे तो उसमें जब 14,600-14,700 निकली था तब मैंने बताया था जून के महीने में आपको 16,000 के दर्शन करवा देगा। तब कोई बिलीव नहीं कर रहा था, ठीक है। आज 15,200 पे हम जब खड़े हैं तब सभी लोग बात कर रहे हैं कि हम 16,000, 16,200, 16,500, 17,000, कोई सी है तो 22,000 का टारगेट दे दिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसा ही मार्केट 15,700 निफ्टी, ट्रेडर्स को क्या करना है, ट्रेडर्स को 15,700 जैसा ही निफ्टी क्रॉस करता है आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाना है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर रहना है, इन्वेस्टर को तो दिसंबर तक इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है, उसका मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ट्रेडर की बात करते हैं, ट्रेडर्स को क्या करना है। हाँ, जो ऐसे भी इन्वेस्टर है कि जो जिनको ऐसा है कि भाई ये शेयर अभी बहुत प्रॉफिट दे गया मुझे, अब निकलना है, तो देखे ना एग्जिट। 15,700 जब भी क्रॉस करेगा मार्केट, दो हफ्ते में कर लेगा, तो आपको एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, नया शॉर्ट नहीं करना है। देखिए, छोटे बच्चों को समझाया जाता है ना, ऐसे मुझे समझाना पड़ रहा है। उसका रीजन है क्योंकि मैंने एक प्रेडिक्शन ये भी किया था कि 9 से 23 के बीच में एक डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है, जिसमें आपको खरीदारी करनी है, ये भी मैंने बोला था। पर कुछ बच्चों ने क्या किया, 9 से 23 के बीच में डाउन ट्रेंड की बात सही बात है, चलो डाउन ट्रेंड आया भी, पर उन लोगों ने आई नहीं किया, पर ऑन राइज सेल में चढ़े, सेल में आ गए। अब सेल में आ गए तो क्या हुआ, फंस गए। फंस जाने के बाद में मुझे बोलते हैं अब क्या करूं। पर मैंने आपको, कोई भी वीडियो आप मेरा उठा के देख लीजिए, मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा है कि आप शॉर्ट करिए। मैंने आपको ये कहा है आप बाय करिए, अगर घट जाता है तो और बाय कर लीजिए, ओवरऑल मार्केट ऊपर ही है। फिर से एक बार बताता हूँ, पॉजिटिविटी 3 टाइम की है, नेगेटिविटी 1 टाइम की है। जैसे परसों थर्सडे की मैं बात करता हूँ, गुरुवार की मार्केट 125 निफ्टी गिरी, 400 बैंक निफ्टी गिरी, अगले दिन पूरा पलट गया, 300 निफ्टी बढ़ गई, मतलब 3 टाइम। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 1200 बढ़ गई, दैट इज ऑल्सो 3 टाइम। तो 1 पॉइंट गिरने के बाद 3 पॉइंट चढ़ेगी निफ्टी, ठीक है। इस तरीके का मार्केट का ये स्ट्रक्चर है। अब आपने किसी ऐसे लेवल पे ले लिया है, जैसे कि 15,200 पे आपने निफ्टी बाय कर ली और 100 पॉइंट गिर गई, फिर भी आप लॉस में। 14,700 पे आपने किसी और वीडियो को देख के शॉर्ट कर दिया, किसी और यूट्यूबर के वीडियो को देख के शॉर्ट कर दिया, फिर भी आप लॉस में। देखिए, मेरी हमेशा से हेल्प रही है रिटेलर्स को, जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो लोग, उनको पता है। तो मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मैं इन सब चीजों में बिलीव करता हूँ, चार्ट्स वगैरह, इंडिकेटर, ये सब कोई काम नहीं आते। जब मार्केट को चढ़ना होता है ना, मतलब जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं आता है, और जब मार्केट को गिरना होता है तो कोई भी सपोर्ट उसके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लास्ट मार्च में हमने देखा था मार्केट को गिरना था तो कोई सपोर्ट काम नहीं आया। अब मार्केट जब ऊपर आया उसके बाद में अगस्त के बाद लास्ट ईयर, तब आपने देखा कि कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आया, और अक्टूबर के बाद में तो रेजिस्टेंस के नाम की तो मस्ती हो गई। तो इस तरीके से है फ्रेंड, ठीक है। तो हम वीडियो को आगे ले जाते हैं। किसी ने मुझे कहा कि सर मुझे जानना है कि भाई आप इन सब प्रेडिक्शन करते हो तो इन सब के पीछे राज क्या है। राज कुछ भी नहीं है, 1000 दिन की प्रैक्टिस है, 1000 डे की प्रैक्टिस। लोग बोलेंगे 1000 दिन, हाँ 1000 दिन, 3 साल, 3 साल लगे मुझे इस थियरी को समझने के लिए, और अब मैं 80% श्योर हूँ। 20% इसलिए नहीं हूँ कि कोई भी थियरी मार्केट में 100% श्योरिटी नहीं देती है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
20% मैं भी कभी गलत हो सकता हूँ, बट ये है मेरे डेट्स जो मैं देता हूँ उसके आसपास मार्केट अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं कि हम चाहते हैं बुलिश तो बुलिश, हम चाहते हैं बेरिश तो बेरिश, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि भाई मर्क्यूरी दिखा रहा हूँ मैं आपको, सनी दिखा रहा हूँ मैं आपको, मतलब पंडित क्या करना क्या चाहता हूँ। देखिए मर्क्यूरी जो है इंडिया की जो कुंडली है, भारतवर्ष की जो कुंडली है उसमें मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी है धन स्थान का मालिक है। बुध जो इंडिया में है वो धन स्थान का मालिक है। धन का मतलब होता है बैंक्स, फाइनेंशियल्स इंडिया के। 26 तारीख से मर्क्यूरी स्ट्रांग होने वाला है और 2 जून से मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने वाला है। रेट्रोगेशन का मतलब होता है उल्टा चलना। अब आप बोलोगे ये क्या है, देखिए मैं आपको देखिए इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो लंबा है क्योंकि आपको समझाना चाहता हूं मैं कि अभी तक आपने देखा कि 15200 निफ्टी आ गई पर बैंक निफ्टी अभी भी नहीं आई है। बैंक निफ्टी स्टिल 8% अवे, 8% दूर है अपने लाइफ हाई से। ऐसा कैसे चलेगा, निफ्टी सिर्फ 1.5% दूर है, ठीक है। 15431 और 15150 250 पॉइंट दूर है। अब बुध जो है वो अभी तक वीक था तो बैंक निफ्टी भी वीक थी, बुध अब 26 से स्ट्रांग होने वाला है। 2 जून से तो रेट्रोगेट होने वाला है, मतलब जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदलने वाला है। ये सारा खेल जो है ना वो 14 जून तक का है, मैं आपको बता देता हूँ। 14 जून तक आपका जो निफ्टी है 16000 आएगा, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और बैठ जाना है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है या आपको किसी, आपको खुद के कॉल से भरोसा था वो भी कर सकते हो। बट मैं आपको बहुत सिंपल बात बता देता हूँ, अगर किसी को तेजी भी करनी है तो मंथ एंड के ऑप्शन में करिएगा, वीकली में मत करिएगा, मेरे पे दया करिएगा। अगर आपको फ्यूचर्स भी बाय करना है तो 2 लॉट लेने वाले तो एक ही लीजिए, दूसरे के लिए वेट कर दीजिए, थोड़ा सा डाउन हो जाए दूसरा लॉट भी बाय कर लो। अब शत्रुन मतलब शनि महाराज का मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि वो भी आज से 23 तारीख से वो रेट्रोगेट हो रहे हैं, ठीक है। शनि जो है वो इंडिया में रोग ऋण शत्रु का मालिक है, उसने हमको रोक दिया पिछले 1 साल में, उसकी नेगेटिविटी को वो वापस ले रहा है। अब आप देखेंगे सडनली क्या हो गया इंडिया में, ऐसा तो कि केसेस गिरने लगे, पॉजिटिव केसेस गिरने लगे, ठीक है, और रिकवरी रेट बढ़ गया। ऐसा तो क्या हो गया कि रोज के 300,000 केस आ रहे हैं पॉजिटिव और 350,000 आ रहे हैं रिकवरी वाले। तो मेरे हिसाब से एज पर एस्ट्रोलॉजी का अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो शनि महाराज जो आज से 23 तारीख से उल्टे चलने शुरू होंगे, ठीक है, जो अक्टूबर महीने तक चलेंगे, तो ये हमको रोग ऋण शत्रु, ठीक है, मतलब अगर कोई वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसा कुछ हो गया तो वहां भी भारत को विजय दिलाएगा। ऋण मतलब हम पे जो नया रिसेंटली आपने पता होगा 300 बिलियन कुछ आपने डॉलर्स का हमने कुछ ये वर्ल्ड बैंक से वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया है, तो इन सब चीजों में हमको थोड़ा सा राहत मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से बता रहा हूँ ट्रेडर्स को, ये तो इन्फॉर्मेशन के लिए था, बट ट्रेडर्स 15700 जैसा निफ्टी निकले अपना प्रॉफिट बुक करे लॉन्ग में, पर नया शॉर्ट ना करे। नया शॉर्ट करने के लिए आप वेट करें मेरे वीडियो का। अगर आपके पास में कोई दूसरा ऐसा कुछ है, आप कॉन्फिडेंट है तो आप उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो, बट दिस इज माय व्यू। क्यों, क्योंकि जून महीने में भी थोड़ा डाउन ट्रेंड आने वाला है और जुलाई महीने में भी डाउन ट्रेंड है, ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स। तो फिर से आपको बता देता हूँ, आराम से मार्केट बढ़ेगा, जो SGX निफ्टी नीचे हो ये हो वो हो आप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही 15700 क्रॉस करे ट्रेडर्स मस्ट 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 आपको तो प्रॉफिट बुक करना ही है लिवरेज वालों को। कैश वाले भले बैठे रहे कि जिनने 100 रुपए में 100 रुपए का माल लिया उन लोगों बैठे हैं, तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, शॉर्ट करने का मार्केट आएगा तो मैं अपने आप बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। और मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करे, अच्छा इंडिया अभी रिकवरी कर रहा है। टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। और एक और बात थी कि थोड़े से व्यू कम आ रहे हैं तो थोड़ा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और उनको भी ये नॉलेज दे, जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक नॉलेज देने का एक निर्दोष कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। पिछले वीडियो पे काफ़ी अच्छा प्यार मिला है, 50 से ज़्यादा व्यू पहली बार आया है वीडियो पे, और एक ICICI बैंक के प्रॉफिट का भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें भी आपको बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि अब सब कुछ बंद होने के बावजूद भी बैंक के प्रॉफिट क्यों बढ़े जा रहे हैं। तो उसमें और ICICI प्रूडेंशियल का भी एक वीडियो बनाया है मैंने, लाइफ इंश्योरेंस वाला, वो भी देख सकते हो, बिजनेस मॉडल आपको समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और टेक केयर। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। कभी भी डाउन ट्रेंड रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, तो मैं आपको एडवांस में वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।